नमस्कार सभी को, आप सभी का स्टडी एट होम चैनल पर स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं इस वीडियो में करंट अफेयर्स इन हिंदी फ्रॉम 11 अक्टूबर टू 23 अक्टूबर, यानी 11 अक्टूबर से लेकर 23 अक्टूबर तक का आपको इसमें करंट अफेयर देखने के लिए मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं विद स्टडी एट होम। तो देखिए, सबसे पहले आरबीआई की हालिया घोषणा के अनुसार दिसंबर 2020 से किस सेवा को 2400 घंटे उपलब्ध कर, तो इसका जो उत्तर है वो है आरटीजीएस। यानी आरबीआई की हालिया घोषणा के अनुसार दिसंबर 2020 से जिस सेवा को 24 घंटे उपलब्ध कराया जाएगा उस सेवा का नाम क्या है? आरटीजीएस। 10 अक्टूबर 2020 तक कोवैक्स ग्लोबल कोविड 19 वैक्सीन गठबंधन में शामिल होने वाली सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन सी है? वो है चीन। आरबीआई की घोषणा के अनुसार ऑन टैप TLTRO के तहत बैंकों को प्रदान की जाने वाली धनराशि कितनी है? इसका आंसर है 1 ट्रिलियन रुपए, यानी 1 ट्रिलियन रुपए जो है ये राशि है। स्वास्थ्य मंत्रालय सार्स कोव टू निदान के लिए फेलुडा पेपर स्ट्रिप टेस्ट शुरू करेगा। इसे CSIR IGIB द्वारा विकसित किया गया है। PM ने ग्रामीण क्षेत्रों में स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड का भौतिक वितरण शुरू किया। भारत में 8 समुद्र तटों को फाउंडेशन फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन डेनमार्क द्वारा प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग प्रमाणीकरण से सम्मानित किया गया। दिल्ली सरकार ने नेदुल नियंत्रण के उपाय नहीं करने पर NCRTC यानी कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम पर 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। दिल्ली सरकार ने अपनी EV पॉलिसी के तहत बैटरी से चलने वाले वाहनों पर रोड टैक्स में छूट दी। केंद्र ने विजय राजे सिंधिया की जन्म शताब्दी को चिन्हित करने के लिए 100 रुपये का सिक्का जारी किया। वे भाजपा के संस्थापक सदस्यों में से एक थी। स्वास्थ्य व्यय सूचकांक पर भारत 155वें स्थान पर, और भारत स्वास्थ्य पर अपने बजट का 4% से कम खर्च करता है, ऐसा ऑक्सफैम का दावा है। तो मैं जो आज इस वीडियो में लेकर आया हूँ, कुछ आपको वन लाइनर GK की कोशिश की है कि वन लाइनर GK इसमें आपको मिले। और इसमें या तो आपको कुछ क्विज टाइप क्वेश्चन आंसर मिलेंगे जिसमें प्रश्न पूछा जाएगा और डायरेक्ट इसका उत्तर होगा, या कुछ पॉइंट के रूप में आपको GK मिलेगा। यानी कुल मिला के आपको हर तरीके से इसमें से चीज़ें उपलब्ध कराने की कोशिश की गई है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। RBI विदेशी मुद्रा और सोने के भंडार के प्रबंधन के लिए NGTA यानी नेक्स्ट जनरेशन ट्रेजरी एप्लीकेशन का उपयोग करेगा। 2015-16 और 2019-20 के बीच डिजिटल भुगतान की मात्रा 1% की वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ी, ऐसा RBI का कहना है। भारत 2050 तक जापान को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में पीछे छोड़ देगा, ये लेसेंट का दावा है। किर्गिस्तान में क्या हुआ? सदर जापारोव को नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। राजधानी बिश्केक में कर्फ्यू लगाया गया। फ्रांस के लोचे शहर में 2 छोटे विमान टकराए जिसमें से 5 लोगों की मौत हो गई। 10 अक्टूबर को प्योंगयांग में, जो कि उत्तर कोरिया की राजधानी है, में सत्तारूढ़ वर्कर्स पार्टी ऑफ कोरिया WPK का 75वां जन्मदिन मनाया गया। अमेरिका में तूफान डेल्टा ने लुइसियाना, टेक्सास और मिसिसिपी राज्यों को प्रभावित किया। सऊदी अरब जो कि नेशनल कमर्शियल बैंक है, तो वहां के $8 बिलियन के सौदे में सांबा फाइनेंशियल का अधिग्रहण करेगा। 11 अक्टूबर को मनाया गया बालिका का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, जिसकी थीम थी मेरी आवाज़ हमारा समान भविष्य। इसके अलावा कुछ खेल जगत से जुड़ी खबरें। फ्रेंच ओपन टेनिस जो है अभी ख़त्म हुआ है हाल ही में। स्पेन के राफेल नडाल ने पुरुष एकल वर्ग का खिताब जीता। पुरुष का जो युगल का जो खिताब है वो जर्मनी के केविन क्रिट्स और एंड्रियाज मिज ने जीता, जबकि महिला युगल का जो खिताब है वो टीमिया बाबोस जो कि हंगरी की हैं, और क्रिस्टिना म्लादेनोविच जो कि फ्रांस की हैं, इन्होंने जीता। इसके अलावा रेसिंग में ब्रिटेन के मर्सिडीज़ के ड्राइवर लुइस हैमिल्टन ने जर्मनी के न्योरबर्ग रिंग में Formula 1 IFL ग्रांड प्रिक्स जीत लिया है। इसके अलावा भारत के निहाल सरीन ने कॉम द्वारा आयोजित 2020 जूनियर स्पीड ऑनलाइन चैम्पियनशिप जीती है। अब आइए कुछ नेक्स्ट खबरें देखते हैं। तो देखिए, ये कुछ राष्ट्रीय खबरें हैं। राजनाथ सिंह ने 7 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में BRO यानी सीमा सड़क संगठन द्वारा निर्मित 44 पुलों का उद्घाटन किया। यानी इस दौरान 7 राज्य ऐसे थे जहाँ पर BRO द्वारा कुल मिला के 44 पुल निर्माण किए गए थे, उनका उद्घाटन राजनाथ सिंह ने किया। तमिलनाडु में अभिनेत्री खुशबू सुंदर ने कांग्रेस छोड़ दी और भाजपा में वो शामिल हुई। AICTE ने छात्रों और शिक्षकों को AI और IoT और क्लाउड कंप्यूटिंग जैसी नई तकनीकों में प्रशिक्षित करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ
भागीदारी की। यानी अब छात्रों और शिक्षकों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, क्लाउड कंप्यूटिंग जैसी नई तकनीकों में प्रशिक्षित किया जाएगा। इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ साझेदारी की है AICTE ने। केरल ने सभी पब्लिक स्कूलों में हाईटेक डिजिटल क्लासरूम शुरू किए हैं ये, और वहाँ के जो CM हैं वो पिनारई विजयन हैं। इसके अलावा बिहार में एक राज्य मंत्री विनोद कुमार सिंह थे, उनका निधन हो गया है हाल ही में। ताइवान जो है एशिया एक्सचेंज फाउंडेशन यानी TAEF और भारत के राष्ट्रीय समुद्री फाउंडेशन NMF ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए हाथ मिलाया है। केंद्र ने अपने कर्मचारियों के लिए 1,10,000 रुपये के ब्याज मुक्त फेस्टिवल एडवांस की घोषणा की है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI पर आधारित खुदरा मुद्रास्फीति सितंबर में 34% हो गई, जो कि अगस्त में कुल 6.69% थी। देख लीजिए कितना उसमें वो हो गया है परिवर्तन। अगस्त महीने के औद्योगिक उत्पादन में 8% की गिरावट दर्ज की गई, यानी जो औद्योगिक जो हमारा इंडस्ट्रियल है उसमें जो है 8% की जो है गिरावट दर्ज की गई अगस्त महीने में। एक्जिम बैंक ने कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए मालदीव को $400 मिलियन का सॉफ्ट लोन दिया है। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान कुवैत की यात्रा पर गए, उन्होंने नए अमीर शेख नवाफ अल अहमद अल जबर अल सभा से मुलाकात की। पॉल मिलग्रोम रॉबर्ट विल्सन ने अर्थशास्त्र में 2020 का नोबेल पुरस्कार जीता। बाकी जो नोबेल प्राइज थे उसकी जानकारी मैं इससे पिछली वीडियो में आपको दे ही चुका हूँ, वो भी आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर जाकर। तो बाकी जो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार है वो पॉल मिलग्रोम रॉबर्ट विल्सन ने, इन दोनों ने मिलकर ये जीता है। FATF ने के एशिया पैसिफिक ग्रुप ने पाकिस्तान को आतंकी वित्तपोषण के खिलाफ धीमी प्रगति के लिए इन्हेंस्ड फॉलोअप लिस्ट में रखा गया है, यानी कि अभी भी जो है उसे उस श्रेणी से नहीं हटाया गया है और इन्हेंस्ड फॉलोअप लिस्ट में रखा गया, क्योंकि वो आतंकवादियों को रोक लगाने में एक तरीके से विफल रहा। भारत के पूर्व फुटबॉल कप्तान कार्लटन चैपमैन का अभी हाल ही में निधन हो गया था। जन्म और मृत्यु के पंजीकरण के लिए अब आधार अनिवार्य नहीं, भारत के रजिस्ट्रार जनरल ने ऐसा कहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर और उनके समकक्ष एरिक्सन सराइडे ने भारत नॉर्वे संयुक्त आयोग की बैठक की सहमेजबानी की। भारत 16 अक्टूबर को SCO के कानून और न्याय मंत्रियों की सातवीं बैठक की मेजबानी की, मतलब भारत ने 16 अक्टूबर को जो शंघाई वाला जो संगठन है उसके कानून और न्याय मंत्रियों की सातवीं बैठक की, उसमें मेजबानी की। जम्मू कश्मीर पूर्व CM महबूबा मुफ्ती 14 महीने बाद रिहा, सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम हटाया गया। यानी अब 14 महीने बाद जो जब से धारा 370 लगी थी वो तब से उसमें थी कैद में, तो अब उन्हें जो है 14 महीने बाद रिहा कर दिया गया है। नागालैंड COVID-19 के कारण कोहिमा में मंत्री CM चांग का निधन हो गया। प्रसिद्ध कलाकार और नाटककार मोहन सोना का भी कर्नाटक में निधन हुआ। 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था 3% का संकुचन हुआ, यानी 3% सिकुड़ गई, और 2021-22 में 8.8% की वृद्धि के साथ वापसी की उम्मीद है, ऐसा IMF का दावा है, जिसको अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के नाम से भी हम जानते हैं। अगले 2-3 वर्षों में दुनिया के शीर्ष 3 FDI गंतव्यों में शामिल होगा भारत, ऐसा CII EY के सर्वेक्षण में पता लगाया गया है। ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक और भारत ने मध्य प्रदेश के 64 शहरों में शहरी सेवाओं को बेहतर करने के लिए $270 मिलियन ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं। 2020 में वैश्विक यानी पूरे विश्व की जो अर्थव्यवस्था है वो 4% और 2021 में 5.2% का संकुचन होगा, ऐसा दावा किया गया है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट एक्सपोर्टिंग करप्शन 2020 एसेसिंग एनफोर्समेंट ऑफ द OECD एंटी ब्राइवरी कन्वेंशन जारी की गई। बांग्लादेश के राष्ट्रपति ने बलात्कार के मामलों में मृत्युदंड पर अध्यादेश पर हस्ताक्षर किए, यानी अब वहाँ पर बलात्कार के मामलों में वहाँ पे सजाए मौत दी जाएगी। आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 13 अक्टूबर को मनाया गया। 47 सदस्यीय जिनेवा स्थित मानवाधिकार परिषद में चुने गए 15 नए सदस्य, निर्वाचित सदस्यों में चीन, रूस और पाकिस्तान शामिल हैं। भूमध्य सागर में गैस की खोज जारी रखेगा तुर्की, ग्रीस द्वारा इसका विरोध किया गया है। इन दोनों में आपस में टकराव चलता ही रहता है, तुर्की में और ग्रीस में। अमेरिका जो है भारतीय मूल के परोपकारी हरीश कोटेचा को सैंड्रा नीस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया, यानी अमेरिका के अंदर भारतीय मूल के जो परोपकारी यानी काफ़ी दयावान हरीश कोटेचा जी हैं उनको सैंड्रा नीस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। सऊदी अरब ने G20 वर्चुअल ग्लोबल इंटरफेथ फोरम की अध्यक्षता की। कैबिनेट ने 6 राज्यों में स्कूली शिक्षा के लिए
स्टार्स जिसकी फुल फॉर्म है स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट्स परियोजना को मंजूरी दी। यह विश्व बैंक द्वारा आंशिक रूप से वित्त पोषित है। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने थालेसीमिया बाल सेवा योजना का दूसरा चरण लॉन्च किया। इसके अलावा जो कुचिपुड़ी नृत्यांगना थी शोभा नायडू, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योग मंत्रालय ने MSMEs की सहायता के लिए अपने एकल विंडो सिस्टम पोर्टल चैम्पियंस को मजबूत करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की शुरुआत की है। यानी कि जो सूक्ष्म लघु जो छोटे छोटे उद्योग हैं उनको देखने के लिए, उनकी सहायता के लिए अपने एकल विंडो सिस्टम पोर्टल में चैम्पियंस को मजबूत करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI और मशीन लर्निंग की वहाँ पर शुरुआत की है। IMF के मुताबिक 2020 में भारत $1,877 प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद के मामले में बांग्लादेश 1,888 से पिछड़ जाएगा। यानी कि ये समझ लीजिए भारत की जो प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद है वो 2020 में बांग्लादेश से भी पीछे हो जाएगा। हालांकि 2021 में इसके बढ़ने की उम्मीद है। कैबिनेट ने NMDC यानी राष्ट्रीय खनिज विकास निगम से छत्तीसगढ़ बेस्ड नगर नार स्टील प्लांट NSP के डिमर्जर को मंजूरी दे दी है। विश्व बैंक ने विकासशील देशों को कोविड टीके प्राप्त करने में मदद के लिए $12 अरब जो हैं मंजूर किए हैं, जितने विकासशील देश हैं उनके लिए ये किए गए हैं। इसके अलावा फिलिस्तीनी शरणार्थियों का समर्थन करने के लिए भारत ने UNWRA यानी संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी में $1 मिलियन का योगदान दिया। भारत और फ्रांस को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी ISA के सह अध्यक्ष रूप में फिर से चुन लिया गया है। अब आइए आगे देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश MB लोकुर को स्टबल बर्निंग स्मॉक से बचाव के लिए वन मैन पैनल नियुक्त किया गया है। PM ने रोम स्थित FAO यानी खाद्य और कृषि संगठन की 75वीं वर्षगांठ पर ₹75 मूल्य के स्मारक के सिक्के जारी किए हैं। भारत ने जीवन प्रत्याशा 1990 में 6 वर्ष से बढ़कर 2019 में 70.8 वर्ष हो गई, ऐसा लॉन्सेंट का दावा है। सरकार का उद्देश्य 2022 तक भारत को ट्रांसफैट बनाना है, ऐसा स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है। अब आइए आगे देखते हैं। खाद्यान्न उत्पादन 2021 की खरीफ सीजन में रिकॉर्ड 52 मिलियन टन के स्तर पर रहने का अनुमान लगाया गया है, ऐसा कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का कहना है। भारत रेफ्रिजरेंट के साथ एयर कंडीशनर के आयात पर प्रतिबंध लगाया, इसमें पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले क्लोरोफ्लोकार्बन जिसे हम CFC के नाम से जानते हैं वो होते हैं, तो इसलिए भारत ने इसके आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। आंध्र प्रदेश में नितिन गडकरी ने 1411 किलोमीटर से अधिक लंबी 16 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखी। विदेशी मुद्रा भंडार 9 अक्टूबर को सप्ताह में $505 बिलियन के उच्च स्तर पर पहुंचा। सरकार ने ई कॉमर्स कंपनियों को उत्पादों पर अनिवार्य जानकारी नहीं दिखाने के लिए नोटिस जारी किया। 16 अक्टूबर को मनाया गया विश्व खाद्य दिवस जिसकी थीम थी ग्रो नरनिश सस्टेन टुगेदर और एक्शंस आर आवर फ्यूचर। यूरोपीय जापानी अंतरिक्ष यान बेपी कोलंबो ने बुध ग्रह के रास्ते में पहले वीनस फ्लाई बाय को अंजाम दिया। भारत ने INS सिंधुवीर पनडुब्बी को म्यांमार नौसेना को सौंपने का निर्णय लिया। इसराइल की संसद नेसेट ने इसराइल और UAE के बीच हस्ताक्षरित सामान्यकरण सौदे को मंजूरी दी। अब आइए आगे देखते हैं। ये कुछ अब प्रश्न उत्तर हैं। बेपी कोलंबो जो कि हाल ही में खबरों में था वो किस ग्रह या खगोलीय पिंड की खोज के लिए लॉन्च किया गया था? तो अभी पीछे हमने पढ़ा था, ये पिछली स्लाइड में इसका उत्तर है बुध। WHO की हालिया रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में किस देश का TB का बोझ सर्वाधिक 26% है? तो इसका उत्तर है भारत। विश्व बैंक विकास समिति प्लेनरी यानी वर्ल्ड बैंक डेवलपमेंट कमेटी प्लेनरी की 102वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? इसका उत्तर है निर्मला सीतारमण। एनफुसर और सीलम जो हाल ही में खबरों में थे वो किस क्षेत्र से जुड़े हैं? पर्यावरण। स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी यानी START जो कि हाल ही में खबरों में थी वो किन देशों के साथ जुड़ी हुई है? इसका उत्तर है अमेरिका और रूस। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए मिशन शक्ति अभियान अभी हाल ही में लॉन्च किया है? तो इसका उत्तर है उत्तर प्रदेश। न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जैसिंडा आर्डन जिन्हें हाल ही में दूसरे कार्यकाल के लिए जीत हासिल की किस पार्टी से संबंधित हैं? लेबर पार्टी। किस देश ने 6 साल की मोहलत यानी मॉरेटेरियम के बाद विवादित दक्षिणी चीन सागर में तेल और गैस की खोज फिर से शुरू करने का निर्णय लिया है? इसका उत्तर है फिलीपींस। आज तक खेल मंत्रालय द्वारा कितने खेलो इंडिया
स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का चयन किया गया है। 24, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का नौसैनिक संस्करण किस जहाज से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया? INS चेन्नई। कटी बिहू त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? आसाम। विज्ञान और प्रौद्योगिकी अवसंरचना में सुधार के लिए फंड किस विभाग द्वारा लागू किया जाता है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग। नीति आयोग ने किस टेक्नोलॉजी कंपनी के साथ फ्रंटियर टेक्नोलॉजी क्लाउड इनोवेशन सेंटर स्थापना की है? अमेजन। भारत में किस देश के दूतावास में एक अलग वाटर अताशे होगा? इसराइल। भारत के किस राज्य में 2019 में सबसे अधिक घरेलू पर्यटक दर्ज किए गए? उत्तर प्रदेश। अब कुछ पॉइंट हैं ये चुनाव से संबंधित। लोकसभा विधानसभा चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की खर्च सीमा में 10% की वृद्धि की गई। लोकसभा चुनाव खर्च की सीमा को 70 लाख से बढ़ाकर 77 लाख किया गया, जबकि विधानसभा चुनाव में जो खर्च की सीमा वो जो पहले 28 लाख होती थी उसे बढ़ाकर अब 30.80 लाख रुपये कर दिया गया है। अब कुछ आगे देखते हैं तो देखिए कुछ नई खबरें। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने निजी क्षेत्र को संलग्न करने के लिए DRDO के प्रोक्योरमेंट मैनुअल के नए संस्करण का अनावरण किया। शिपिंग। सरकार ने VTS वेजल ट्रैफिक सर्विसेज और VTMS यानी वेजल ट्रैफिक सिस्टम के लिए स्वदेशी सॉफ्टवेयर समाधान का विकास शुरू किया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के MD और CEO राजकिरण राय जी को भारतीय बैंक संघ का यानी IBA का नया अध्यक्ष चुना गया है। इससे पहले SBI के जो थे MD और CEO रजनीश कुमार वो थे, लेकिन अब वो क्योंकि रिटायर हो चुके हैं तो इसलिए अब यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के जो MD CEO हैं राजकिरण राय जी, उनको भारतीय बैंक संघ जो कि सारे बैंकों के अध्यक्ष हैं उसका अध्यक्ष चुना गया है। सरकार ने प्राकृतिक गैस और कोल बेड मीथेन उत्पादकों को अपनी उपज खरीदने पर रोक लगा दी है। हर्षवर्धन जो कि स्वास्थ्य मंत्री ने CSIR के नैदानिक परीक्षण के बारे में जानकारी के लिए एक वेबसाइट CURED यानी क्रूड को लॉन्च किया है। UNHCHR यानी मानव अधिकारों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त मिशेल वॉचलेट ने भारत से FCRA नियमों की समीक्षा करने के लिए कहा है। भारतीय सेना के उपप्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल SK सैनी ने हवाई में US इंडो पैसिफिक कमांड का दौरा किया। स्वीडन ने सुरक्षा खतरे का हवाला देते हुए चीन के हुआवे और JETE को आगामी 5G नेटवर्क से प्रतिबंधित किया है। UAE को राज्य संचालित WAM समाचार एजेंसी के संस्थापक इब्राहिम अलवेद का 78 वर्ष की आयु में निधन हुआ। 20 अक्टूबर को मनाया गया विश्व सांख्यिकी दिवस जिसका विषय था कनेक्टिंग द वर्ल्ड विद डाटा वी कैन ट्रस्ट। अब कुछ प्रश्न उत्तर। ऑसिरिस रेक्स क्या है जिसे हाल ही में खबरों में देखा गया था? ये एक स्पेस क्राफ्ट है। PM 2020 जो हाल ही में खबरों में देखा गया था ये किस संगठन से संबंधित है? DRDO। CSIR की दवाओं की परीक्षण के चरण के बारे में जानकारी देने के लिए हाल ही में शुरू किए गए ऑनलाइन पोर्टल का नाम क्या है? CURED। किस भारतीय कंपनी ने 5G RAN उत्पाद विकसित करने के लिए क्वालकॉम के साथ भागीदारी की है? Jio। सर्वोच्च न्यायालय। अब कुछ पॉइंट हैं। सर्वोच्च न्यायालय की इसकी जांच करेगा कि क्या शिक्षण संस्थान उपभोक्ता कानून के तहत आते हैं और सेवाओं में कमी के लिए मुकदमा उन पर दायर किया जा सकता है। इसके अलावा 21 अक्टूबर को मनाया गया पुलिस स्मरणोत्सव दिवस यानी पुलिस स्मृति दिवस मनाया गया 21 अक्टूबर को। नई दिल्ली के चाणक्यपुरी में स्थित है राष्ट्रीय पुलिस स्मारक। चुनाव आयोग ने एक उम्मीदवार के लिए व्यय सीमा से संबंधित मुद्दों की जाँच के लिए समिति का गठन किया। समिति में IRS अधिकारी हरी और जनवरी 2021 में शुरू होगा राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन का तीसरा चरण। उद्देश्य है 45 पेटा फ्लॉप्स तक कंप्यूटिंग की गति को बढ़ाना। मंत्रिमंडल ने जम्मू कश्मीर के लिए पंचायती राज अधिनियम को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ई-धरती जियो पोर्टल लॉन्च किया है। पंजाब विधानसभा ने केंद्र के कृषि कानूनों के विरुद्ध यानी कि जो अभी केंद्र ने कृषि बिल पास किया है उसके विरुद्ध अपना बिल पारित किया है जिसमें MSP यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे अगर कोई बिक्री करता है तो या खरीद करता है तो उसको अवैध माना जाएगा। इसके अलावा IIT खड़गपुर के कोविरैप कोरोना वायरस डायग्नोस्टिक टेस्ट को ICMR सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ है। एक बहुत ही सस्ती किट है जिससे जो है COVID-19 टेस्ट किया जा सकता है। कुछ नई खबरें। 2025 तक मशीनों द्वारा 85 मिलियन मानव रोजगार विस्थापित हो सकते हैं विश्व आर्थिक फोरम का ऐसा दावा है। यानी 85 मिलियन जहाँ पे मनुष्य काम करता है उसको मशीनें विस्थापित कर लेंगी यानी इंसान की जगह मशीनों को नौकरी मिल जाएगी। वर्ल्ड बैंक ग्रुप और यूनिसेफ द्वारा लॉन्च की गई ग्लोबल एस्टीमेट ऑफ चिल्ड्रन इन
मॉनेटरी पॉवर्टी एन अपडेट। नासा के ओसिरिक्स रैक्स अंतरिक्षयान ने शुद्ध ग्रह बेनु की सतह को छुआ, नमूने एकत्रित किए। ये क्वेश्चन अभी पीछे मैंने स्लाइड में दिखाया था, इसी से रिलेटेड है। इटली ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI के लिए चीन के साथ MOU को एक गलती बताया, यानी इटली ने बताया कि जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है चीन का, बहुत बड़ा, सभी देशों को एक साथ जोड़ने का, सारे देशों में अपनी सड़क बनाने का, उसमें इटली ने उसके साथ हस्ताक्षर किए थे, लेकिन अब उसको उसने गलती बताया है। अब कुछ प्रश्न उत्तर। स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2020 की रिपोर्ट के अनुसार 2019 में किस देश ने वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक वायु प्रदूषण दर्ज किया? इसका उत्तर है भारत। संयुक्त राज्य अमेरिका किस देश को $1 अरब में उन्नत एयर टू ग्राउंड मिसाइलों को बेचने जा रहा है? ताइवान। भारत नौसेना में कमीशन की गई एंटी सबमरीन वॉरफेयर स्टेल्थ कॉर्वेट का नाम क्या है? INS कवरत्ती। अभी INS कवरत्ती को हाल ही में, बिल्कुल एक दो दिन पहले अभी ही लॉन्च किया गया है, अभी शामिल किया गया है भारतीय वायुसेना में। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में 80,000 सरकारी स्कूलों को स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना लागू की है? तमिलनाडु। तमिलनाडु ने स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना लागू की है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कम लागत वाली COVID-19 परीक्षण कोविरैप, जिसे ICMR द्वारा अनुमोदित किया गया था, वो किस संस्था द्वारा विकसित की गई है? IIT खड़गपुर। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि सभी को वीडियो पसंद आई होगी। मैंने ज़्यादातर कुछ पॉइंट्स और कुछ प्रश्नोत्तरी के रूप में इस बार ये वीडियो थोड़ी सी अलग बनाने की कोशिश की है, और इसमें लगभग 11 अक्टूबर से लेकर 23 अक्टूबर तक का जो करंट अफेयर है वो शामिल किया गया है हाल। और जल्दी मैं दूसरी वीडियो भी लाऊंगा जिसमें आप आगे भी करंट अफेयर पढ़ते रहेंगे, और कोशिश करूंगा कि वीडियो का साइज़ थोड़ा छोटा छोटा करूँ, यानी कम कम दिन का GK जो है वो एक साथ लाने की कोशिश की जाए। तो अगर कोई कमी रह गई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, बता सकते हैं, और कोई सलाह देना चाहें तो दे सकते हैं। इसके अलावा मुझे आप रोज़ाना का करंट अफेयर से अपडेट रहने के लिए आप मुझे इस टेलीग्राम चैनल पर फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल जो है डाउनलोड कीजिए और वहाँ आप मुझे फॉलो कीजिए, जहाँ मैं रोज़ाना कुछ ना कुछ अपडेट डालता रहता हूँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर करना ना भूलें, बस कमेंट करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए धन्यवाद।